किया है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जितना टाइम उसने काम किया है, कितने टाइम बाद आया वो नहीं, कितना टाइम काम किया है वो लिखा करें, ठीक है? टाइम इक्वल्स इक्वल्स टू द उधर वाली साइड क्या लिखा करेंगे? प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होगा? हाँ जी मैम, प्लीज रिकॉर्ड कर लो, है हो रही है रिकॉर्डिंग, ठीक है। इधर आप की थी, इधर इसके इधर वाली कौन से, इधर वाली साइड कौन, किसकी बात करेंगे? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई करेंगे किसको? टाइम, टाइम कौन सा लेंगे? जितना टाइम उसने काम किया वो, कितना टाइम बाद आया वो नहीं, कितना टाइम उसने काम किया है वो मल्टीप्लाई किया करेंगे। इक्वल्स टू उधर हम बात किसकी करेंगे? प्रॉफिट की। इधर इन्वेस्टमेंट और टाइम लेंगे, उधर प्रॉफिट लेंगे, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अनिल मुकेश एंड हितेश, आपने पार्टनरशिप कब तक करा हुआ किया हुआ? अनिल मुकेश एंड नितेश स्टार्टेड अ बिजनेस, ईच इन्वेस्टिंग रुपीज 20,000। कहते हैं अनिल मुकेश और नितेश ने कितना कितना पैसा लगाया? सबने 20,000 रुपया उन्होंने लिखा ना, ईच इन्वेस्टिंग मतलब सबने 20,000 रुपया लगाया, लगा दो। अनिल है, मुकेश है, नितेश है, इसने भी 20,000 लगाया, इसने भी 20,000 लगाया, इसने भी 20,000 लगाया। उसके बाद आफ्टर 4 मंथ्स अनिल विदड्रॉ 6,000 रुपीज, मुकेश विदड्रॉ 8,000 रुपीज, रितेश इन्वेस्ट रुपीज 6,000 मोर। कहते हैं 4 महीने के बाद अनिल ने 6,000 रुपया निकलवा लिया, मुकेश ने 8,000 रुपया निकलवा लिया और रितेश ने 6,000 रुपया और लगा दिया, ठीक है? एट द एंड ऑफ द ईयर अ टोटल प्रॉफिट वाज रुपीज 6,560, फाइंड द शेयर ऑफ रितेश। अब 4 महीने के बाद चेंजेस हो रही है ना, 4 महीने के बाद चेंजेस हो रही है, दैट मीन्स ये वाला जो पैसा है ये 4-4 महीने चला होगा, 4 महीने के बाद चेंजेस हो रखी है, दैट मीन्स ये वाला जो पैसा लगाया था ये सबका 4-4 महीने चला होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से, फिर प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का साइन। अच्छा, पहले वाले पर्सन ने कितने रुपए निकलवा लिए? 6,000 रुपया निकलवा लिया, उसके पास कितना बचा? फिर 20,000 लगाया था, 4,000 उसने निकलवा लिया, बाकी कितना बचा? 16। अच्छा 6,000 है, कितना हो जाएगा? 14,000। हाँ जी, 20,000 था ना, 6,000 उसने निकलवा लिया तो बाकी कितना बचा? 14,000। दूसरे वाले ने कितना निकाला था? 8,000, उसके पास कितना बचा? 12,000। तीसरे वाले ने 6,000 और लगा दिया, 20,000 तो पहले ही था, 6,000 और लगा दिया, 26,000 हो गया। अब बात करनी है, उन्होंने बोला एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एक साल की बात कर रहे हैं, 4 महीने तो बीत चुके थे, मतलब ये वाला पैसा कितने कितने महीने चला होगा? फिर बाकी कितने मंथ रह गए? 4 महीने तो बीत चुके थे ना, तो ये वाला पैसा कितने महीने चला होगा? 8 मंथ्स? नहीं। हाँ जी मैम, ये वाला पैसा कितने महीने चला? 8। ये भी 8, ये भी 8। अब इसको पहले सोल्व करके रेशियो बनाओ, सबकी रेशियो बना दो मैम। यहाँ पे 14,000 प्लस क्यों किया? 14,000 क्योंकि ये वाला पैसा इतने महीने चला और ये वाला पैसा इतने महीने चला, और टोटल पैसा चला कितना होगा उसको प्लस ही करेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि माइनस क्यों नहीं किया, ये वाला माइनस ही करा है 20,000 में से 6,000, ठीक है? ये माइनस किया है ना मैंने 20,000 में से 6,000। अब इसको सोल्व करो, कितना हो गया? 20,000 को 4 से करा 80,000, उसमें प्लस क्या करना है? 1, 2, 3, 8, 4, 32, 8, 1, 8 और 3, 11, तो कितना बन गया? 0,00291, 192,000। इसको भी कर लो, 80,000।
96,000,000,176,000 उसका 80,000,000,86,48,8,16 और 288,000,000 बन गई रेशो तीनों की क्योंकि 20,000 उसने 6,000 और रुपया लगा दिया था, उसने इन्वेस्ट करा, उसने विथड्रॉ नहीं करा, इतना इतना बन गया सबका। अब इसको कैंसल आउट करवाओ। अब आपने क्या करना है, कैंसल आउट क्या करवाना है, जो सब में कॉमन चीज है उसको कैंसल आउट करवाना है। सब में 330 सब में है 330। अश्मित अपनी वीडियो ऑन करो। ऐसे माइनस ही करा था, 20,000 में से माइनस कर रहे। अगर इसको 20,000 में से माइनस करा तो इसको 20,000 में प्लस से करें। हाँ हाँ मैम, वीडियो डिसेबल्ड आ रहा। ओके, की बोल रहे हो तुसी? इसका शेयर ज्यादा ही आएगा। हाँ, देखो पहले जो पैसा था 20,000 पैसा था, 20,000 के 4 महीने बाद चेंजेस हुई, मतलब वो वाला पैसा 4 महीने चल, ठीक है। जो अभी हम पैसा लगाते हैं, आप बैंक में पैसा जमा करवाने चाहते हैं, ठीक है, अभी आप पहले 20,000 आपने जमा करवाया हुआ था, 4 महीने तक 20,000 पे ब्याज बनती, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 4 महीने तक 20,000 पे बना। आप 6,000 और जमा करवा के आगे इंटरेस्ट किस पे बनेगा? 6,000 पे तो नहीं बनेगा ना, 26,000 पे बनेगा ना। ये इंटरेस्ट वाला हिसाब ही होता है, जो प्रॉफिट होता है वो इंटरेस्ट वाला हिसाब होता है। करो इसको, 30 इसमें है, 30 इसमें है, 30 इसमें है, कर दो कैंसिल सबकी 30। अब 192, 176 और 288 किस टेबल पे जाएंगे? अभी सब में 3-3 थी, सब में 3-3 कैंसिल आउट करवा दी। अब 192, 176 और 288 टू के टेबल पे जा रहे हैं सारे। ऐसा नहीं है कि ये दोनों जाए तीसरा जाए ना, तीनों ही सेम टेबल पे जाने चाहिए। तब तक कट करते जाना जब तक कट होते हैं। करो टू के टेबल पे, 2 9s 18, 2 6s 12, 2 8s 16, 2 8s 16, 1 4 4, 2 4 8, 2 8 16, ये गया 44, ये गया 72, फिर 24 22 36, फिर 12 11 18, इसके बाद तो नहीं कैंसिल होता, बन गई इतनी इतनी। उसके बाद कहते हैं जो प्रॉफिट होता है ना उनको एक साल के बाद, वो 656,000 होता है। अब वो बटेगा कैसे? जिसने जितने जितना काम किया है उसी अकॉर्डिंग उनका बटेगा काम, मतलब जिसने जितना जितना पैसा लगाया है उसी अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट मिलेगा। दैट मींस अगर उसको सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए, उसके कितने पार्ट्स कर रहे हैं हम, 12 पार्ट्स ये ले रहा है, 11 पार्ट्स ये ले रहा है, मतलब उस प्रॉफिट के 12 पार्ट्स ये ले रहा है, 11 पार्ट्स ये ले रहा है, 18 पार्ट्स ये ले रहा है। मेरे को एक पार्ट पता चले तभी तो उसको मल्टीप्लाई करूंगी ना। अगर इसका निकालना है तो 12 से कर दूंगी, इसका निकालना है तो 18 से कर दूंगी, इसका निकालना है तो 11 से, इसका करना है तो 18 से,
मेरे को सिंगल पार्ट तो पता चले ना, तभी उसके 12 पार्ट्स निकालूंगी, तभी उसके 11 पार्ट्स निकालूंगी, तभी उसके 18 पार्ट्स निकालूंगी। सिंगल पार्ट कैसे निकलेगा? जितना प्रॉफिट दे रखा है ना, 656,000, इनको प्लस कर दो। कितने पार्ट्स कितने कर रहे हम? 18, 12 और 11 कितने हो गए? ये तीनों 8, 2, 10 और 11 कितने? 41। 41x इक्वल टू, क्योंकि रेशियो है तो सबके साथ एक्स एक्स लगेगा। दिस प्लस दिस 41x इक्वल टू दिस है, तो यहां से हम सिंगल पार्ट निकाल सकते हैं। 656,000 डिवाइड बाय 41 करो, किस पे जाएगा? 1 1600 पे गया, एक पार्ट आ गया। उन्होंने किसका पूछा है? उन्होंने पूछा है फाइंड द शेयर ऑफ रितेश। रितेश कौन से वाला था? थर्ड वाला। थर्ड वाले का कैंसिल करवा के बाकी कितना आ गया था? 18। दैट मींस 18 पार्ट्स निकालने हैं। एक पार्ट निकल गया, इसको 18 से मल्टीप्लाई करके उसका पार्ट आ जाएगा, ठीक है? रितेश का क्या आएगा? 1600 × 18 जितना भी आ गया, देखो कितना आ गया, 288,000। क्या किया मैंने? मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को। कहते हैं सबने पहले 20,000 रुपया लगाया, 4 महीने बाद सबने चेंजेस कर, मतलब जो 20,000 पैसा वो सबका 4 महीने चला, इसका भी, उसके बाद इसने 6,000 निकलवा लिया था, मतलब 14,000 रह गया, इसने 8,000 निकलवा लिया था, मतलब 12,000 रह गया, इसने 6,000 और ऐड कर दिया था, मतलब 26,000 हो गया। उसने पूरा बोला है एक साल, 4 महीने तो बीत चुके थे, दैट मींस ये वाला पैसा 8 महीने चला होगा, ये भी आठ, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये फिर उसके बाद कैंसिल करवाते की, तब तक कैंसिल करवाना जब तक पूरा पूरा कैंसिल होता रहे, लेकिन सिंगल टेबल पे जाना चाहिए, करवा करवा के इतना इतना आ गया। उन्होंने पूछा रितेश का शेयर निकालो, रितेश के पास कितने पार्ट्स हैं? 18। अगर मेरे को एक पार्ट पता चले तभी तो 18 से मल्टीप्लाई करूंगी ना, वो कैसे गया? सारे पार्ट्स का टोटल करके टोटल प्रॉफिट के इक्वल रख दिए, तो वहां से एक पार्ट निकला, फिर मल्टीप्लाई 18 से कर दिया, ठीक है? उतार लिया सबने क्वेश्चन ये वाला? सेम क्वेश्चन एक आएगा, वो वाला करो आप। क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 22 देखना, 22 क्वेश्चन कौन सा है? ए एंड बी विथड्रॉ, नहीं, ए एंड बी एंटर्ड इन पार्टनरशिप, ये वाला क्वेश्चन है। 23rd क्वेश्चन देखो, 23rd क्वेश्चन नंबर 23rd सेम क्वेश्चन है, करो। वो कहते हैं ए एंड बी एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीस 16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। ए और बी ने कितना कितना लगाया? 16,000 ए ने लगाया 16,000, बी ने लगाया 12,000। आफ्टर 3 months ए विथड्रॉ रुपीस 5,000 व्हाइल बी इन्वेस्टेड रुपीस 5,000 मोर। कहते हैं 3 महीने बाद, That means ये वाला पैसा 3 महीने चला होगा। 3 महीने के बाद बी ए क्या कर रहा है? ए 5,000 निकलवा रहा है, था कितना उसके पास? 16,000, 5,000 तो निकाल लिया, मतलब 11,000 रह गया। एंड बी इन्वेस्टेड 5,000 मोर, बी ने 5,000 और निकाल लगा दिया, मतलब 12,000 था तो 17,000 बन गया। आफ्टर 3 more months 3 महीने पहले बीत चुके हैं, 3 महीने और बीत गए। सी ने सी जॉइंस द बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ रुपीस 21,000, सी आ गया 21,000 लेके। 3 महीने पहले बीत चुके हैं, उसके भी 3 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद आ रहा है। जब ए और बी ने काम शुरू किया था उसके 6 महीने बाद सी आ रहा है। द शेयर ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 26,400 आफ्टर 1 year। एक साल की बात कर रहे हैं, देखो 3 महीने इसके बीत चुके हैं, दैट मींस ये वाला पैसा 9 महीने चला होगा,
सेम इधर भी, इसके भी 3 महीने ये चला, दैट मीन्स ये वाला पैसा 9 महीने चला होगा। अब मेरे को बताओ सी ने कितना काम किया, सी ने कितना टाइम काम किया, 6 महीने, क्योंकि 3 महीने, 3 महीने के बाद कुछ चेंजेस, उसके भी 3 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद सी आ रहा है। सी कब आ रहा है, जब ए और बी ने काम किया उसके 6 मंथ बाद, दैट मीन्स सी ने काम कितना किया होगा, 6 महीने, क्योंकि 1 साल था, 6 महीने बाद आ रहा है तो 6 महीने काम किया होगा। क्या करूं मैं, मल्टीप्लाई 6 कर दूं, सही है, ये रेशो ही बनानी मुश्किल है, मतलब आपने टाइम ध्यान से इसको मल्टीप्लाई करना है, टाइम का यहाँ पर रूल है, मतलब क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस है, क्या कैसे लिखते हो आप, कितना हो जाएगा 16 × 3 48,000, 11 × 9 99,000, इसका तीसरे वाले का 3 0 है, इसमें भी 3 0 है, इसमें भी 3 0, कैंसिल कर। अब 147, 189 और 126 किस पे टेबल, 7 के टेबल पे जा रहे हैं सारे, 7 2 14, 7 1 7, 7 2 14, पीछे बचा 49, 7 7 49, 7 1 7, 7 8 56, अब 21 27 और 18 3 के टेबल पे, 3 7 3 9, 3 6, बस ठीक है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 26400, कह रहे हैं ना टोटल प्रॉफिट हो 26400, पर लगा दो इनका टोटल करके 26400 के इक्वल रख दो, कितना हो जाएगा, 9 7 16 16 और 6 22, तो एक किसके इक्वल आ जाएगा, 1200 के। उन्होंने पूछा है किसका शेयर, उन्होंने पूछा है शेयर ऑफ बी एक्सीड दैट ऑफ सी, उन्होंने पूछा क्या है, बी का शेयर सी से कितना ज्यादा है, बी का शेयर हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 9x, सी का कितना है, 6x, 3 बी का कितना, 9x, सी का कितना, 3x, सॉरी 6x, मतलब कितना एक्सीड कर रहा है, 3, मतलब 3 पार्ट्स निकाल, बी माइनस सी कितना है, 9x minus 6x, 3x, that means 3 into x की value put कर दो, कितनी है, 1200, कितनी आ जाएगी, 3600 answer, बस यही दोनों क्वेश्चन टफ थे, बाकी आसान, बस यही दोनों टफ, इरेज कर दूं, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, Joy started a business and he invested in 76,000. Joy ने पैसा कितना लगाया? 76,000 लगाया. After some month, Amar came to join with him and invested rupees 57,000. थोड़े टाइम बाद अमर आया, कितने पैसे लेके? 57,000 लेके. At the end of the year, the total profit was divided among them into the ratio of 2:3. Profit हम कौन से side पे लिखते हैं? Right hand side पे. उधर कितना ratio बन रही है उनकी?
2:1। अब टोटल प्रॉफिट नहीं दे रखा, जैसे पिछले दोनों क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट दे रखा होता था, इस बार नहीं दे रखा, इस बार उन्होंने रेशो में बता रखा। अब आपकी बारी इनके साथ मल्टीप्लाई करने की, फिर टाइम क्या होगा। अब देखो जो जॉय था वो तो कहीं गया तो नहीं, पूरे साल में लिखा तो नहीं हुआ कि कहीं कहीं जा रहा है या कुछ चेंजेस कर रहा है, नहीं लिखा हुआ। दैट मीन्स उसने कितना काम किया होगा, पूरे का पूरा साल ही उसके साथ 12 बार। अच्छा अमर, अमर कुछ महीने बाद आया था, दैट मीन्स उसने काम कितना किया होगा। फिर टोटल पूरे साल में से वो वाला जो जितने महीने बाद आया होगा वो महीने में माइनस कर दूं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 4 महीने बाद आया तो मैं क्या कहूंगी, उसने कितना काम किया, 8 महीने। हाँ जी, जैसे कि 8 महीने 12 में से 4 माइनस किया तभी 8 आया ना। हाँ जी, अभी मैं कहती हूँ उन्होंने पूछा कितने महीने बाद आया वो बताओ, मैं कहती हूँ एक्स मंथ बाद आया होगा, लेकिन उसने काम कितना किया होगा, 12 माइनस एक्स। अगर वो एक्स मंथ बाद आया है तो उसने काम कितना होगा किया होगा, 12 माइनस एक्स। कर दो इसके साथ मल्टीप्लाई, 57,000 इंटू 12 माइनस एक्स। जिसको ये कंफ्यूजन है तो पूछो। कर दो बस, अब रे थोड़ा सा कैंसिल करवा दो, 3-0 इसमें भी है, 3-0 इसमें भी है, कैंसिल हो गया। 57 और 76 किस टेबल में जाते हैं, 57 और 76 किस टेबल में जाते हैं, 19 किस टेबल पे, 19 में, 19 के टेबल पे, 19 3 का 19 4 का। अब 3 और 12 जाते हैं ना एक टेबल पे, ये 3 और 12, 3 1 का 3, 3 4 का 12। अब इधर तो 16 है, उधर कट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इधर तो कुछ भी नहीं बचा, इधर 16 बच गया। कर दो 16:12 माइनस x इक्वल टू 2:1। अब रेशो का मतलब क्या होता है और क्या होता है, एक तो एक्स लगाते हैं और क्या करते हैं, रेशो का मतलब डिवाइड करना, डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड करना। कर दो 16:12 माइनस x उधर 2:2/1। फिर अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 को 1 से करा 16, 2 को इधर करो 2 को 24 से करा 12 से करा 24, 2 को x से करा 2x, 16, 24 को इधर लेके आओ माइनस का 24 कितना हो जाएगा, हाँ 8, माइनस का 8 माइनस का 2x, माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ जाएगा 8/2, दैट मींस 4, दैट मींस वो 4 महीने बाद आया था। आंसर क्या आ गया, 4 मंथ्स। अगर वो पूछे ना कितने महीने उसने काम किया, फिर हम कहेंगे 8 महीने उसने काम किया, ठीक है, 4 महीने बाद तो वो आया था तो उसने काम किया कितना महीने किया, 8 महीने। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्मीर स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीस 40,000। स्मीर ने कितना लगाया, 40,000 रुपीस लगाया। आफ्टर 6 मंथ नितिश जॉइंड विद हिम विद अ कैपिटल ऑफ 60,000। नितिश आ गया 60,000 लेके। आफ्टर 3 इयर्स, अब 3 सालों की बात कर रहे हैं। अच्छा पहले वाला समीर कहीं जा तो नहीं रहा, कोई चेंजेस तो नहीं कर रहा, दैट मींस लेकिन 3 इयर्स नहीं लेते हमें, उसको मंथ में कन्वर्ट करके लेने। कभी आपने देखा मैंने 1 ईयर का, कभी 1 ईयर नहीं ला, 12 मंथ ही लेती हूँ, मंथ में कन्वर्ट करके लेना। आप मेरे को बताओ 3 मंथ्स में कितने, 3 इयर्स में कितने मंथ होते हैं, कितने होते हैं, 36। नितिश कितने टाइम बाद आया था,
तीन साल बाद आया था, दैट मींस उसने काम कितना किया होगा फिर? कितने? सिक्स. सिक्स मंथ बाद वो आया है, उसने काम कितने महीने किया वो बताओ? पूरा साल. टोटल कितने मंथ थे? मैम 30 मंथ. ये देखिए आपने बोला है 36. तीन साल की बात कर रहे हैं, तीन साल में 36 मंथ थे ना? हाँ जी. इसने तो पूरा पूरा तीन साल ही काम किया, ये 6 महीने बाद आया था, दैट मींस उसने काम कितना किया होगा? 30 मंथ. हाँ जी. ठीक है, 36 महीने है ना, उसमें से 6 महीने निकाल दो, उसने कितने महीने काम किया होगा? 30 महीने. समझ आया अश्मिति या नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. चल, 4-0 आते कॉल है, 4-0 आते कॉल है, कैंसिल आउट. 2 2s are 2 3s are, फिर 6 5s are 6 6s are, फिर 3 1s are 3 2s are, 2 2s are 4, इधर 5, बस इसके आगे तो नहीं जाता. उसके बाद बोला हुआ है the earned a profit of 2790, जो टोटल प्रॉफिट होता है वो 2790 होता है. कर दो 4x और 5x, 9x इक्वल टू 2790, x कितना आ जाएगा? 9 3s are 9 1s are, 3100 आ गया. किसकी पूछा है शेयर? किसका पूछा है? स्मीर का शेयर. स्मीर का कैंसिल करवा कर आगे कितना आया था पार्ट? कितने पार्ट आए थे? 4 पार्ट्स. तो स्मीर का क्या आ जाएगा? 3100 × 4, 0 0 4 1 2 1 2 4 0 0 आंसर. हो गया अश्मित, करा ही रेस. रणदीप हो गया थोड़ा? क्वेश्चन नंबर 4th है, अनिल मुकेश रितेश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीस 1,25,000, 1,50,000, 1,75,000. एक 25 लगाया इसने, इसने एक 50 लगाया, इसने एक 75 लगाया. अनिल है, मुकेश है, रितेश है. क्वेश्चन नंबर 4th है, फाइंड द शेयर ऑफ मुकेश आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 96 9 3 6 0 0. बस उन्होंने टाइम की बात ही नहीं करी, ना कोई जा रहा है ना कोई आ रहा है, कोई जल्दी जा भी नहीं रहा, कोई लेट आ भी नहीं रहा, दैट मींस टाइम सबका सेम है. जब बोले ना कि ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, मतलब टाइम सबका सेम है, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिख भी देंगे तो सारे कैंसिल ही हो जाने, बराबर बराबर तो आएंगे सारे, है ना. बस बात खत्म कर दो इसको, 30 से 30 कैंसिल सबकी. अब एक 25, एक 50 और एक 75, 25 के टेबल पे जाएगा, 25 5, ये 6, ये 7, 5 6 7 इक्वल टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है? 9 3 6 0 0 कितना हो जाएगा? 5 और 6 11 11 और 7 18, 18x इक्वल टू 9 3 6 0 0 x कितना आ जाएगा? 18 5s are 90 18 2s are 36 कितना हो जाएगा? 5200. किसका शेयर पूछा है? मुकेश का. मुकेश सेकंड था, मुकेश का सेकंड वाला कितने पार्ट से? 6, दैट मींस 6 × 5200, 0 0 6 12 31 312 00.
अगर आपने किया भी है ना तो कर लो, तो आप टिक करके लाए हो आज पिक, आपका क्या क्या सिलेबस हो गया? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जॉन एंड हैरी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ मनी इन द रेशियो 2:3। अब जो उनका पैसा दे रखा है वो रेशियो की फॉर्म में दे रखा है, तो कर देते 2x और 3x ले लेते हैं, यही होता है ना। जॉन है एंड हैरी है, इसने कितना लगाया 2x, इसने कितना लगाया 3x। आफ्टर 6 months, Ron joined them after 6 months with an amount equal to that of Harry. 6 months बाद Ron आ गया, लेकिन उसने पैसा कितना लगाया? Harry के जितना। Harry ने कितना लगाया? 3x। तो Ron ने भी 3x लगाया होगा। लेकिन बस टाइम का फर्क पड़ता है। ये इसके 6 महीने कम है, इनसे 6 महीने कम है, क्योंकि वो 6 महीने बाद आ रहा है। अब टाइम की बात करते हैं। उन्होंने किस बोला है? In what proportion should the profit at the end of 1 year? एक साल की बात ही करती है। That means, जॉन ने कितना काम किया? अश्मित कितने जाता नहीं रहा, कितने आ नहीं रहा कोई भी। That means, उन्हें तो 12 से 12 मंथ ही काम किया। हैरी ने भी 12 से 12 मंथ काम किया। रोन कितने महीने बाद आया सी? 6 months बाद आया था। That means, उसने 6 months ही काम किया होगा। हाँ जी। कर दो उन। X नल X से पहला कैंसिल। 3 months आ 3 3 3 कैंसिल, 3 4 12, ठीक है। उसके बाद है 4 के टेबल पे नहीं, 2 के टेबल पे जाएंगे साथ। 2 3 2 6 2 के साथ 2 कैंसिल। अब कितना बचा? इधर बचा 4, उधर बचा 6, उधर बचा 3। इसके बाद तो कैंसिल होते ही नहीं, तो आंसर उन्होंने यही पूछा था, रेशो ही पूछी थी, बस आंसर आ गया। उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ रेशो निकालने के लिए बोला था, आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, मनोज रिसीव्ड ₹6,000 एज अ शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹9,000। कहते हैं मनोज को 6,000 रुपए मिलता है, इसमें से टोटल प्रॉफिट है 9,000। अगर मनोज को 6,000 मिलता है तो जो दूसरा पर्सन होगा उसको तो 3,000 मिलता होगा। इस लाइन का मतलब क्या बना? मनोज को 6,000 रुपए मिलता है टोटल प्रॉफिट कितना है? 9,000। 9,000 में सबको 6,000 मिलता है, तो दैट मींस दूसरा पर्सन जो भी होगा उसको 3,000 मिलता होगा। हाँ जी, ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट की बात हम इधर तो करते नहीं, हम उधर बात करते हैं। प्रॉफिट की बात हम उधर, कितना क्वेश्चन नंबर कितना है? 6 6 6। अच्छा, उसको कितना मिला? मनोज को कितना मिला? 6,000 रुपए। अब दूसरे को 3,000 मिलेगा, दैट मींस इधर भी रेशो बनेगी, क्योंकि इक्वल तो लिख नहीं सकते। इक्वल टू क्या लिखे? दोनों की अलग अलग वैल्यू है, तो रेशो बना के लिखेंगे। अच्छा, दूसरा पर्सन का नाम मेरे को पता नहीं है, बस उसको मिलेगा 3,000, रमेश है उसका नाम। विच ही एंड रमेश अर्नड एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो 9,000 किसको किसको मिलता है? मनोज और रमेश को। मनोज को 6,000 मिला, तो ऑब्वियस है रमेश को 3,000 मिलता होगा। उसके बाद है, इफ मनोज इन्वेस्टेड ₹1,20,000 फॉर 6 months, उसने बोला है, उन्होंने बोला है मनोज ने 1,20,000 लगाया 6 महीने के लिए। मनोज ने 1,20,000 लगाया 6 महीने, उन्होंने बोला है 6 महीने के लिए लगाए हैं, लगा दो। ये मनोज है 1,20,000 फॉर 6 months, मतलब मल्टीप्लाई 6 ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला 6 महीने के लिए लगाए हैं पैसे। वेयर एज रमेश इन्वेस्टेड इस अमाउंट फॉर द होल ईयर। कहते हैं पर रमेश ने पैसे पता नहीं कितने लगाए हैं, लेकिन उसने पूरे साल के लिए लगाए हैं।
रमेश की हम अमाउंट ऑफ मैक्स मान लेते हैं, टाइम हम 12 months ही मान लेंगे क्योंकि उन्होंने पूरे साल के लिए लगाया, ठीक है, बन के स्टेटमेंट। अब इधर को इधर कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर सकते थे, कर दो, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 1 3 2 का, ये 12 से ये 12 कर दो, 12 1 0 0 0 0, सही है। इधर कितना पड़ा, 60,000। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, इधर क्या है एक्स ही है, इधर कितना है 2, इधर कितना है 1, ये 2 और 60,000 कैंसिल हो सकते हैं ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 31,000 को एक्स, 30,000 को 1 से करा, 30,000 आ गया, इधर एक्स को 1 से करा, एक्स आ गया, दैट मींस रमेश ने कितना पैसा लगाया था, 30,000 लगाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, योगेश स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹45,000। योगेश ने कितना लगाया, 45,000 लगाया। प्रणव जॉइंड विद हिम अ कैपिटल ऑफ 60,000। प्रणव ने पैसा कितना लेके आ गया, 60,000, कितने महीने बाद, 3 months बाद वो 60,000 लेके आ गया। टाइम हम बाद में लिखते हैं क्योंकि ये टाइम तो नहीं लिखेंगे ना, कितने महीने बाद आया, ये नहीं हमने लिखना होता, हमने तो लिखना होता कितने महीने उसने काम किया, वो लिखना होता कितने महीने बाद आया, हमें कोई लेना देना नहीं। अच्छा, उसके भी 6 महीने बाद, आफ्टर अनदर 6 months, उसके भी 6 महीने बाद अतुल आ गया 90,000 लेके। अतुल कितना लेके आ गया, 90,000 लेके। एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल की बात कर रहे हैं। अभी मेरे को बताओ, योगेश कहीं जा तो नहीं रहा, योगेश सबसे पहले आया था, कहीं जा नहीं रहा, मतलब उसने तो 12 के 12 महीने काम किए। प्रणव कितने महीने बाद आ रहा था, 3 months बाद आ रहा था, मतलब उसने काम कितने महीने किया होगा, 9 months। अतुल कितने महीने बाद आ रहा था, अनदर 6 months, 6 months अलग बात है, अनदर 6 months अलग बात है, अनदर 6 months का बात मतलब है 3 महीने पहले बीत चुके हैं, जब प्रणव आया था 3 महीने तो तभी बीत गए थे। अतुल उसके भी 6 महीने बाद आया है, मतलब 3 महीने पहले बीत गए, 6 महीने और बीत गए, मतलब 9 महीने बीत चुके हैं, तो प्रणव अतुल ने कितना महीने काम किया होगा फिर, तीन मंथ्स, समझ आया 3 महीने कितना ले, हाँ जी, कितना आएगा टोटल प्रॉफिट दे रखा उन्होंने, मैं आई एक मिनट।
हुआ तीन जीरो से तीन जीरो कैंसल, फिर थ्री वन सा थ्री, थ्री थ्री सा नाइन, थ्री फोर सा ट्वेल्व, फिर फिफ्टीन के टेबल में फिफ्टीन थ्री सा फिफ्टीन, फोर सा फिफ्टीन, सिक्स सा, फिर इधर कितना बन गया थ्री फोर सा ट्वेल्व, थ्री फोर सा ट्वेल्व, सिक्स वन सा सिक्स, फिर कर दो सिक्स वन सा सिक्स, सिक्स टू ट्वेल्व, टू टू वन बन गया। टोटल प्रॉफिट दे कितना रखा है 90,000, टोटल प्रॉफिट 90,000 रखा है, दो दो चार और एक पांच, 5x इक्वल टू 90, 19,000। कितना 19,000 दे रहा हूँ, ओके ओके 20,000 कितना आ जाएगा 4,000। उन्होंने पूछा है अतुल का शेयर, अतुल कौन था थर्ड वन, थर्ड वन का कितना कैंसिल करा के लास्ट पे कितना बचा था वन पार्ट, वन पार्ट यही तो है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर कितना आ गया 4,000। हो गया रणदीप, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट इक्वल टू 2:1, ए और सी कितना पैसा लगा रहे हैं 2:1, क्वेश्चन नंबर 8, ए और सी कितना पैसा लगा रहे हैं 2:1, वेयर एज द रेशियो बिटवीन अमाउंट्स इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी वाज 2:3, ए और बी में कितनी है, कितनी 3:2 है। अब चलो ठीक है, मैं बी और सी को चलो ले लूं, बी को 2x ले लूं, सी को 1x ले लूं, ए क्या लूं, ए तो दोनों में अलग अलग है, ए तो दोनों में अलग अलग है, उनको इक्वल बनाना पड़ेगा, कैसे, इसका जो 3 है ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो ऊपर वाले का 2 है नीचे 2 वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 6 बन जाएगा, वो भी 6 बन जाएगा, ये 3 था ना, इधर ए कितना था 3 था, दैट मींस ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ए अकेले से नहीं कर सकते, दोनों को करना पड़ेगा, ऊपर ए कितना 2 था, दैट मींस नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्रॉस करना है, डायगोनली करना है, ठीक है, कर दो, ए कितना बन जाएगा 3 2 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 2 4, ए बन गया ना दोनों पे 6 6 बन गया, चल ए बी सी, ए ने कितना लगाया 6x, बी ने कितना लगाया, बी का है कौन है, कौन है यहाँ पे, बी मतलब कितना बन चुका है 4x, सी कितना है 3x, अच्छा उसके बाद इफ पर रुपीज 157,300 वाज देयर प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट वन कितना दे रखा है 157,300 कर दो 6 4 10 और 3 13 13x इक्वल टू, तो एक पार्ट क्या निकलेगा 13 1 30, पीछे बचा 2 7, 13 2 26, ये बचा 1 3, 13 1 13 0 0, 1 2 1 00, पूछा किसका है पी का, पी का कितना आया था पार्ट 4x, B का कितना था 4x, दैट मींस 4 से मल्टीप्लाई कर दो 0 0 4 8 4 4 8 4 00 आंसर, ठीक है चले,
क्वेश्चन नंबर 9 है नहीं, क्वेश्चन नंबर 10, 700 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो दैट ए रिसीव्स हाफ एज मच एज बी एंड बी हाफ मच एज सी। कहते 700 को मैंने डिवाइड ऐसे करना है कि ए को कितना मिले बी से हाफ, बी को कितना मिले सी से हाफ। ए को कितना देना है बी से हाफ और बी को कितना देना है सी से हाफ। ए बी पे डिपेंड कर रहा है, बी सी पे डिपेंड कर रहा है। पहले सी को एक्स मान लू, कैसे करें बी को कॉमन ले, ऐसे कर लो बी दोनों में आ रहा है ना, बी दोनों में आ रहा है, बी को एक्स मान लो आप, बी दोनों में आ रहा है बी को एक्स मान लो, पुट कर दो। इधर पुट करेंगे कितना आएगा, बी को मैं एक्स मान रही हूँ, इधर पुट कर रही हूँ, ए कितना था बी अपॉन टू, दैट मीन्स एक्स अपॉन टू, इधर पुट कर रही हूँ एक्स इक्वल टू सी अपॉन टू, दैट मीन्स सी कितना आ गया 2x, c कितना आ गया 2x। चल लगाओ a रेशो b रेशो c, a कितना आया x upon 2, b को कितना मानना है x ही मानना है, c कितना आया 2x आया, सही है। अब ये तो फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शन से कैसे करते हैं एलसीएम लेके, फ्रैक्शन से कैसे करते हैं एलसीएम लेके, नीचे कुछ है, नीचे सेम है तो ऊपर सेम आ जाएगा, नीचे कुछ है नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, ऊपर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 4x, x 2x एंड 4x क्या बन गया x 2x एंड 4x। ये नीचे वाला जो 2 होता है उसको खत्म कर, कुछ नहीं आ, बस इतना बन गया, सही तो बन गया, इससे हाफ इसको मिल रहा है, इससे हाफ इसको मिल रहा है, सही है ना, c का हाफ b को मिल रहा है, b का हाफ a को मिल रहा है, सही बन रहा है ना रेशो। अच्छा उसके बाद 700 इक्वल टू 700 रखेंगे क्योंकि 700 तो बांट रहे हैं तीनों में, कर दो 4 और 2 6 और 1 7, 7x इक्वल टू 700, x कितना आ गया 100 आ गया, किसका पार्ट पूछा उन्होंने c का, c को कितना दिया था हमने 4x, c को कितना दिया था 4x, मतलब 4 into 100 कितना आ गया 400 आ गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 11 है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 10,000, ए ने कितना लगाया 10,000 लगाया, फिर है बी ज्वाइंड हिम आफ्टर 6 मंथ्स विद एन अमाउंट ऑफ 8,000, बी कितने 6 महीने बाद आ गया 8,000 रुपीस लेके, सी ज्वाइंड देम विद रुपीस 12,000 आफ्टर अनदर 6 मंथ्स, उसके भी 6 महीने बाद सी आ गया 12,000 लेके, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन रेशियो, इन व्हाट रेशियो अमंग ए बी सी रिस्पेक्टिवली 4 years after A started the business, मतलब 4 सालों की बात करनी है, सबसे जो पहले वाला आया था, अब देखो कहीं कोई जा तो नहीं रहा ना, सारे काम ही कर रहे हैं, चाहे थोड़ा लेट आ रहे हैं लेकिन कोई जा तो नहीं रहा। अच्छा A तो शुरुआत में ही आ गया था, 4 साल मतलब कितने महीने, 4 साल मतलब कितने महीने 48, बी देखो कितने महीने बाद आया।
छह महीने बाद आया, छह महीने कम कर दो, 48 में से छह गए कितना 42, सी उसके भी छह महीने बाद आया, 42 में से छह माइनस कर दो कितना आएगा 36, बस 30 इसमें है, 30 इसमें है, 30 इसमें है, फिर 6, 6, 6, 7, 6, 8, फिर 2 के टेबल पे 2, 6, 2, 4 and 2, 5, फिर 2 के टेबल पे 2, 3, 2, 2, 2, 4, फिर 2 के टेबल पे 2, 3, 2 के 1, 2, 2, 5, 2, 10, 7, 1, 7, 3, 3, 9, 10, 7 and 9, उन्होंने रेशियो ही पूछी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीस 90,000 एंड 20,000, ए ने लगाया 90,000, बी ने लगाया 20,000, इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्नड आफ्टर 2 इयर्स बी डिवाइडेड अमंग बी ए एंड बी रिस्पेक्टली, 2 सालों की बात कर रही है, कोई जल्दी कोई लेट तो नहीं आ रहा, तो टाइम तो दोनों का सेम ही होगा, फिर टाइम लिखो या ना लिखो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि गया ही नहीं कोई, ना कोई लेट आया ना कोई गया, टाइम लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कर दो 40 से 40 कैंसिल, 9 ट्रिक्स बस। रेशियो पूछी थी उन्होंने, दो मंथ लेट हो सकता है, तो सिर्फ पेपर भराया था पटवारी का, भराया से हाँ जी मैम, पोस्टपोन हो गया, चलो बढ़िया हो गया, कद हो गया मैम, कल शाम नहीं डेट आ गई पोस्टपोन, ओके कोरोना जाएगा तो। नेक्स्ट है, प्रवीण स्टार्ट्स बिजनेस विद अमाउंट 3500, प्रवीण ने कितना लगाया 3500 लगाया, आफ्टर 5 मंथ्स हरी जॉइन विद प्रवीण एज पार्टनर, हरी आ गया 5 महीने बाद, टाइम तो नहीं 5 महीने लिखना, 5 महीने नहीं लिखना, क्योंकि हम ये वाला टाइम नहीं लिखते, हम वो लिखते हैं जितना टाइम उसने काम किया। अच्छा, आफ्टर अ ईयर, एक साल के बाद द प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग 2:3, उनमें जो रेशो बढ़ती है 2:3, हरी का, हरी ने कितना पैसा लगाया वो निकालना है, मैं कहती हूँ हरी ने एक्स पैसा लगाया, अब आती है टाइम की बात, प्रवीण से तो शुरू से काम कर रहा था, मतलब उसने तो 12 के 12 महीने काम किया, हरी 5 महीने बाद आया था, दैट मीन उसने काम कितना किया 7 महीने, हरी 5 मंथ बाद आया था ना, दैट मीन 7 मंथ काम किया, बस कर दो 7, 5, 35, ये कितना बढ़ गया 500, 12, 5, 16, 6,000, रेशो एक्स है, उधर भी रेशो है, 2 के टेबल पे ये कितने पे गया 3,000 पे, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को 3,000 से करा 9,000, एक्स को 1 से करा एक्स, दैट मींस हरी ने कितना लगाया था 9,000।
रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हो चुका है, रेशियो प्रोपोर्शन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। अजय भवन एंड चेतन स्टार्टेड अ बिजनेस टुगेदर, थ्राइस द इन्वेस्टर ऑफ थ्राइस मतलब थ्री टाइम्स इन्वेस्टमेंट ऑफ अजय, ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ भवन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ चेतन आर इक्वल, ये सारे इक्वल दे रखे हैं। अब मेरे को तो चाहिए होती है रेशियो, मेरे को क्या चाहिए होती है रेशियो, लेकिन ये तो इक्वल टू का साइन है, मेरे को इसमें रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे क्या करो, इसको पहले इन दोनों को इक्वल रख लो, फिर इन दोनों को इक्वल रख लो, 3a इक्वल टू 2b एंड 3a इक्वल टू c, इसको इसके भी इक्वल रख दिया, इसको इसके भी इक्वल, ठीक है। यहां से निकालो वैल्यू, a की कितनी वैल्यू आ जाएगी 2/3, b इधर से कितनी आ जाएगी, नहीं आप ना क्या करो, दोनों में b कॉमन है ना, सॉरी b कॉमन है ना दोनों में, सॉरी a कॉमन है, b की वैल्यू भी a की फॉर्म में निकाल दो, कितनी आ जाएगी 3 2a, इधर से भी c की वैल्यू तो 3a दे ही रखी है, c कितना 3a है ही, b की वैल्यू भी a की फॉर्म में आ गई, c की वैल्यू भी a की फॉर्म में आ गई, तो a को हम x मान लेते हैं, a को हम x मान लेते, तो फिर b कितना आ जाएगा 3/2x और c कितना आ जाएगा 3x, ठीक है। लगाओ ऑपरेशन a b c, a कितना आया x, b कितना आया 3/2x, c कितना आया 3x, कर दो रेशो 2x 3x 6x, दैट मींस कितना कितना बन गया 2x 3x 6x इक्वल टू, उन्होंने क्या पूछा, रेशो ही तो पूछी है, रेशो पूछी है बस, रेशो मतलब क्या आएगा, फिर x का कैंसिल हो गया 2 3 6 आंसर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, एबीसी स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 6,000, 8,000, 10,000, 6,000, 8,000, 10,000, क्वेश्चन नंबर 15, एबीसी, एट द एंड कोई लेट आ नहीं रहा, कोई जल्दी जा नहीं रहा, दैट मींस टाइम सबका सेम, बना दो पहले रेशियो बना लो 3-0, 3-0, 3-0, फिर 6 2 के टेबल पे 3 पे 4 पे 5 पे 3-4-5 बन के रेशो। अब वो कहते हैं द प्रॉफिट शेयर ऑफ बीज रुपीज 1000, वो कहते हैं अब ये जो 1000 रुपीज दे रखा है ये टोटल प्रॉफिट नहीं दे रखा, उन्हें क्या बोला है शेयर ऑफ बी, प्रॉफिट शेयर ऑफ बी इज रुपीज 1000, मतलब जो बी का शेयर है वो 1000 रुपए है, हमारे अकॉर्डिंग बी का शेयर कितना है, हमारे अकॉर्डिंग बी का शेयर कितना है 4x है, हमारे अकॉर्डिंग 4x है, उनके अकॉर्डिंग 1000 रुपीज है, मतलब x कितना आ जाएगा फिर 1000/4 कितना आएगा 250। उन्होंने पूछा किसका, अभी उन्होंने पूछा है डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी, ए और सी, सी बड़ा है ना, सी को पहले लिख लो, सी माइनस ए, सी कितना 5x, ए कितना 3x,
मतलब मेरे को कितना निकालना है, 2x निकालना है, तो x की वैल्यू पुट कर दो, 250 कितना आ गया, 500। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए बी सी इज 5-6-7। ए बी सी की जो रेशियो दे रखी है 5-6-7 एंड दे शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 5-9-14। प्रॉफिट तो उधर लेते हैं, कितना 5-9-14 निकालना क्या है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ द देयर पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने रेशियो फाइंड करनी है टाइम की। अब तीनों का टाइम तो होगा ना कोई ना कोई, मेरे को क्या पता सबका सेम है, मेरे को पता अलग अलग है, पर मैं अलग अलग ही मान के चलूंगी। पहले का मैं क्या मान लेती हूँ एक्स टाइम, दूसरे का वाई टाइम, तीसरे का जेड टाइम, सही है। अब मेरे को रेशियो किसकी निकालनी है, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड निकाल। अब दो ले लो, उधर से भी दो पहले ले, फिर इधर से भी दो पिछले वाले ले लो, उधर से पिछले दो वाले ले लो, क्या करना है, इधर से दो पहले वाले लो, 5x/6y, दो इधर से ले हैं, पहले वाले दो उधर से लो, 5/9, फिर पिछले वाले दो ले लो, 6y/7z=9/14, लगा दो, 5 से 5 कैंसिल, 3 के टेबल पे, 3 2s 3 3s x रेशो y, मेरे को ये 2 नहीं चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, उसको उधर ले जाओ, 2 उधर चला गया, 2/3 डायगनली चला, ठीक है, इधर से भी 3 के टेबल में 3 2s 3 3s 7 1s 7 2s, दैट मींस 2y/z=3/2, मेरे को y/z चाहिए, 2 नहीं चाहिए ना, ये 2 डायगनली नीचे चला जाएगा, कितना आ जाएगा 3 4, ये 2 था, ये ऊपर चला गया, ये 2 ऊपर था और नीचे चला गया डायरेक्टली। अब मेरे को ये बताओ दोनों में x, दोनों में y, y कॉमन है, दोनों में y कॉमन है, इधर y कितना 3 है, इधर भी y 3 है, बस फिर तो बात ही खत्म, दोनों में y कॉमन आ रहा है, बस बात खत्म, फिर तो हमें क्या निकालना है, x रेशो y रेशो z, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू दोनों में 3 3 है, z की वैल्यू कितनी है 4, 2 3 4 आंसर। हो गया रणदीप क्वेश्चन, हो गया थोड़ा, नहीं करते आज अपना, उसे अपना क्वेश्चन ट्राई जरूर करना, हो जाएगी क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है।